फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सारे लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीजन कोई भी हो, मगर हमें अपने स्किन की चिंता होने लगती है, क्योंकि सारी ही प्रॉब्लम्स हमारे चेहरे को ही फेस करना होता है, क्योंकि पूरे तरीके से हम लोग कवर नहीं करते। और सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, चेहरे से नमी ख़त्म हो जाती है और चेहरे में बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाता है। एकदम से अपना जो ग्लो होता है वो कहीं छुप गया रहता है, और हर किसी को ही एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन अच्छी लगती है। तो उसके लिए हमें सर्दियों की स्टार्टिंग से ही अलर्ट रहना चाहिए और कुछ ऐसे हमें घरेलू उपाय कर लेने चाहिए जिससे हमें ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए आप लोगों के लिए इतना इजी सिंपल सा ट्रिक्स लेकर के आई हूँ, जिसे आप एक बार बनाएंगे और आप इसको महीनों रख सकते हैं, जिससे आपकी स्किन रहेगी हमेशा जवां और इसके साथ ही चेहरे से दाग धब्बे और रूखापन सारा कुछ दूर हो जाएगा। तो चलिए रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक कांच की कटोरी लिया है, एक चम्मच लिया है, आप कोई भी कटोरी यूज कर सकते हैं, स्टील की भी। और इसके लिए हमें लेना है एलोवेरा जेल, तो आप किसी भी कंपनी का एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो एलोवेरा की लीव्स लेकर के छील करके उसके गूदे को आप मिक्सी में पीस करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट उसको नहीं करते हैं, लेकिन इसमें हम एक दो चीज़ें मिलाएंगे उसकी वजह से उसको कर सकते हैं। तो मैंने 2 चम्मच के लगभग एलोवेरा जेल लिया है, ये मुझे लगभग 15 दिन के लिए हो जाएगा। इसके साथ ही चेहरे की नमी और चिकनाहट को बरकरार रखने के लिए इसमें हम कुछ ड्रॉप्स, ढक्कन और स्पून नहीं, कुछ ड्रॉप्स यानी कि 2-3 बूंद के लगभग हम इसमें ग्लिसरीन का इस्तेमाल करेंगे। हमारे फेस की नरिशिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी बॉडी के लिए। और ये जो हम क्रीम तैयार कर रहे हैं, इसको हम, अगर आपका बॉडी लोशन भी काम नहीं करता है, घंटे 2 घंटे बाद स्किन खुरचने से निशान से बनने लगते हैं, तो आप इसको अपने हाथों पैरों में एक बार इस्तेमाल करेंगे, आपका 10-12 घंटे आराम से चल जाएगा। इसके साथ ही हमने लिया है विटामिन ई का कैप्सूल, किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी के साथ में मिल जाता है, 30 से 35 रुपीज़ तक का। तो इसमें हम जितने चम्मच हम एलोवेरा लेंगे उतने ही हम इसमें कैप्सूल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम चाहे कैंची से कट कर लें या किसी पिन वगैरह से, सेफ्टी पिन से कर लें, तो मैं सेफ्टी पिन का यूज कर रही हूँ। आप इसमें एक छेद करेंगे और दोनों कैप्सूल को इसमें हम डाल लेंगे, और बस हमें यही 3 चीज़ें चाहिए होंगी। हर जगह, देहात हो, शहर हो, किसी भी जगह हो, ये चीज़ें आसानी के साथ में उपलब्ध हो जाती हैं, मिल जाती हैं, और इतनी पावरफुल रेमेडी बनके तैयार होती है। जितने सिंपल और इजी से सामान है, लेकिन रेमेडी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप लोग सिर्फ एक बार इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद में आप, जैसे अभी आपने इस्तेमाल किया है और आप 15-20 मिनट में अपने फेस पे हाथ रखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपके चेहरा इतना ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की शिल्की महसूस होगा आपको, कि आप इस रेमेडी को कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे। इसको आप रात में इस्तेमाल कीजिए, दिन में इस्तेमाल कीजिए। रात में आप सादा पानी से अपना फेस वॉश करके और इसको लगा करके आप लेट जाइए, और बहुत ही अच्छी आपकी स्किन रहेगी। सर्दियों में शायद है कि किसी दूसरी क्रीम की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आप हाथों पैरों में भी इसको लगा सकते हैं, और बगैर फ्रिज के भी आप इसको महीनों स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें कोई भी रॉ चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप इसमें एलोवेरा रॉ लेते हैं लीव्स वाला, तो फिर आप इसको 1 हफ्ते में आपको बनाना पड़ेगा। तो इसको हमें, इन तीनों चीज़ों को हमें तब तक फेंटना है जब तक ये क्रीम के फॉर्म में ना आ जाए। जब ये क्रीम के फॉर्म में आते हैं तो अपना रंग भी बदल जाता है इस क्रीम का। तो इसको हमने एक बोरोप्लस की छोटी सी डिब्बी खाली पड़ी हुई थी, तो उसमें मैंने इसको रख लिया। इसके साथ ये दूसरा भी कंटेनर है, उस पर भी रख सकती हूँ, और आप इस तरीके से भर करके और ढक्कन लगा करके आप इसको रख सकते हैं, और जब भी आपको यूज़ करना हो आप इसको थोड़ा सा लीजिए अपने हाथों पैरों में या अपने फेस पर लगा करके थोड़ा सा आप रब कीजिए। इससे आपके जो भी डार्क सर्कल आँखों के नीचे हो रहे हैं या रुखी सूखी स्किन हो रही, हल्के से दाग
दाग धब्बे हो रहे हैं, स्किन निकल रही है, बहुत सारी समस्याओं से आपको निजात देने वाला है। तो आपको ये ब्यूटी टिप्स ट्रिक्स कैसा लगा होममेड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसको बना करके भी मुझे बताइएगा कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला है। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहें रीना चौहान लाइफस्टाइल। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।